फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एंजल गार्डन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं बात करने वाली हूँ क्रोटन प्लांट पे, तो पूरा वीडियो देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। और ये देखिए, जो मैं फ्लावर्स आपको दिखा रही हूँ, इनका नाम है गिराडिया। तो ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, पूरे साल फ्लावरिंग करते रहते हैं, और इनको मैंने सीडलिंग से प्लांट तैयार किया था, तो इन पे मैंने वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। और इधर मेरे बोगनवेलिया है, एक ही स्टेम में फूल आ रहे थे, अभी सभी में आने लगे हैं। तो चलिए, एक मैं और प्लांट शेयर कर रही हूँ जिन पे मैंने वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, और ये है हिबिस्कस मोटाबिलिस। हिबिस्कस फैमिली से ही है ये, लास्ट में फ्लावरिंग करते हैं, इन पे मैं वीडियो अपलोड करूँगी। तो चलिए, मैं अब आपको क्रोटन प्लांट दिखाती हूँ। तो देखिए, ये क्रोटन प्लांट है, मेरी एक वैरायटी यहाँ पे लगे हुए हैं, और यहाँ पे 2-3 घंटे की धूप आते हैं, तो बहुत छोटा प्लांट है ये। तो छोटा लगाई थी, अभी तो ये ठीक ठाक से चल रहे हैं और बढ़ भी रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत कम ही धूप आते हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक और क्रोटन प्लांट दिखा रही हूँ। देखिए, इनको भी मैंने अभी भी लगाया है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुए हैं। क्रोटन प्लांट के कई वैरायटीज आते हैं, तो लगाइए, बहुत ही खूबसूरत इनके लीव्स लगते हैं। और इस प्लांट को गोल्ड डस्ट भी कहते हैं। इस प्लांट को आप सेमी शेड में रख सकते हैं, जहाँ पे कि 2-3 घंटे की धूप लगे, वहाँ पे इस प्लांट को लगा के रखिए। बालकनी में आपके बहुत कम ही धूप आते हैं, तो वहाँ पे इस प्लांट को लगाइए, खूब अच्छे से आपके प्लांट चलेंगे। तो देखिए, यहाँ पे बहुत कम धूप आते हैं, तो कम धूप वाले प्लांट ही लगे हुए हैं यहाँ पे। तो इस प्लांट को आप 1-2 घंटे की 3 घंटे की धूप में रखिए, तो इनके जो लीव्स कलर है वो ब्राइट होंगे। और इन्हें लगाने के लिए आप वेल्ड्रन सॉइल ही लें, सॉफ्ट मिट्टी में इस प्लांट को लगाएं। तो मैं हर वीडियो में बताती हूँ, अपने प्लांट्स को मैं सॉफ्ट मिट्टी में ही लगाती हूँ, जिससे मेरे गमलों में पानी नहीं जमते हैं। तो आप भी लगाएं। आप 1.5 हिस्से में खाद लीजिए, 1 हिस्से में मिट्टी लीजिए, और आधे हिस्से में रिवर सैंड, जिन्हें रेत कहते हैं, इन सभी को मिला के सॉफ्ट मिट्टी तैयार करके तब इस प्लांट को लगाइए। खाद में वर्मी कंपोस्ट और काउ डंग कंपोस्ट, जो गोबर की खाद होते हैं 1-2 साल पुरानी, उन्हें मैंने लिया है। आप चाहो तो कोको पीट में भी इस प्लांट को आप लगा सकते हैं। आप आधे हिस्से में मिट्टी लीजिए और 1 हिस्से में कोको पीट, और 1 हिस्से में आप खाद ले लें। तो मैंने सन के बारे में तो बता ही दिया है, 2-3 घंटे की धूप में इस प्लांट को आप रखिए। और वाटरिंग करने के लिए, पानी देने के लिए, आप पहले देख लें गमलों की आपके जो मिट्टी है हल्की सी सूख जाए, तभी आप पानी दें। और ये जो प्लांट आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, अगर आप ज़मीन पे लगाते हैं तो हाइट से खूब ऊँचे हो जाते हैं ये प्लांट। और ये प्लांट अगर आप बड़े से पॉट में लगाएंगे तो भी पे इनकी हाइट खूब ऊँची जाती है। तो आप हाइट नहीं चाहते हैं तो हमेशा प्रूनिंग करते रहिए, तो ये प्लांट बुशी हो जाते हैं, बिल्कुल घने हो जाते हैं ये प्लांट, और हाइट भी मेंटेन रहते हैं। और इस प्लांट की कटिंग भी लग जाते हैं, तो कटिंग भी आप लगा सकते हैं। और फर्टिलाइज़र खाद देने के लिए फ्रेंड्स, आप महीने में एक बार वर्मी कंपोस्ट या फिर काउ डंग कंपोस्ट दे सकते हैं इस प्लांट को। जो गोबर की खाद होते हैं 1 साल पुरानी, उन्हें आप दे सकते हैं। और अगर आप लिक्विड देते हैं तो हर 15-20 दिन पे लिक्विड देते रहें इन्हें। तो मैं लिक्विड भी तैयार करती हूँ, हर 15-20 दिन पे अपने प्लांट्स को देती हूँ। लिक्विड तैयार करने के लिए आप सरसों की खली, नीम की खली बराबर कर लें, और 1 बाल्टी पानी में ढक के भिगो लें 2-3 दिनों के लिए, या फिर 4-5 दिनों के लिए भी भिगो सकते हैं आप। फिर उसके बाद आप वाटर ऐड करके पानी मिला करके सभी प्लांट्स को दें, और इस प्लांट को भी दें, जिससे इनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और पत्तियों के कलर भी उभर के आएंगे। और कीड़ों के लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें हर 15-20 दिन पे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।